नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, देवियों, सज्जनों, मेरे प्रिय भारतवर्ष के बहुत सारे लोग मुझे रोज़ गालियाँ दे रहे हैं कि मैं हिंदी में क्यों वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक हिंदी में वीडियो हो जाए। तभी जिनको हिंदी नहीं आती, जो तमिलियन है, जो तेलुगु है और जो अंग्रेज़ है, वो लोग गालियाँ देंगे मुझे। ठीक है, देने दो। तो मेरे पास ये एक लिस्ट है आज। ठीक है, तो ये लिस्ट में मैंने उन लोगों का नाम लिखा है जिन लोगों ने मुझे बहुत सहायता किया मेरा, बहुत, जब मैं इंडिया गया हुआ था। मैं इंडिया गया था बहुत पहले, लेकिन ये लिस्ट में उन लोगों का नाम है जिन्होंने मुझे अपने तीर्थ यात्रा के दौरान बहुत मदद किया, जिन लोगों ने। तो इसमें बहुत सारे नाम हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे भी नाम हैं, सॉरी, बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनके नाम नहीं है इसमें। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबको कवर कर सकूँ। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि मेरी यात्रा कैसी गई। तो बहुत 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 ही बढ़िया गई यात्रा। शायद ऐसी यात्रा बहुत कम ही गई है मेरी जीवन में। 2011-12 के आसपास ऐसी कुछ यात्राएं मैंने की थी दक्षिण भारत में, दक्षिण साउथ साउथ इंडिया में ऐसी यात्राएं बहुत की है मैंने, लेकिन ये पहली बार था जब मैं नॉर्थ इंडिया गया। ओके, तो सबसे पहले मैं 26 सितंबर को निकला था, और 26 तो बहुत बाद में आता है, तो पहले वहाँ से शुरू करता हूँ ना। जब मैं इंडिया पहुँचा, मैं हिंदुस्तान पहुँचा था 3 सितंबर को, 3 या 2 या 4 ऐसा ही एक डेट था। तो पहुंचते ही हमारे नितिन कश्यप जी हमें मिले, तो वो मुझे लेके गए दिल्ली में, सीताराम छोले भटूरे वहाँ लेके गए और बोले कि एक्चुअली क्या हुआ, हम गाड़ी में जा रहे थे। गाड़ी में जाते जाते धौला कुआ, वो जो जगह है जहाँ से, मतलब एयरपोर्ट जिस तरफ जाता है, जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे ही वहाँ से हो दिल्ली की तरफ जा रहे थे। तो वो कुछ कुछ बातें कर रहे थे और तो साथ में वो ये भी बोले कि अरे यार, एक जगह ना छोले भटूरे बहुत अच्छा मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो वहीं चलते हैं। तो वहाँ पे मेरा, मेरे परम मित्र, मेरे गुरु भाई रोनी साहब, वो भी मौजूद थे मेरे साथ। तो हम तीनों चल पड़े वहाँ पे। तो हम तीनों जैसे ही चले, फिर उसके बाद दिल्ली में हमने वो संकट मोचन मंदिर जो है, संकट मोचन या जो भी है, एक हनुमान मंदिर है, बहुत फेमस है। कहते हैं जोधा बाई अकबर की, जो पटरानी कह लो उसको, बीवी कह लो, जो भी अकबर की वाइफ आती थी वहाँ पे पूजा करने, ऐसा कहा जाता है, मैंने सुना है, जो भी है, सच है गलत है। तो वहाँ पे गए हम लोग और छोले भटूरे ठीक से खाए, और उसके बाद मैं गुवाहाटी के लिए निकल गया, और 4 से लेके 26 तक मैं गुवाहाटी में ही था। तो नितिन जी आए, मुझे घुमाए, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं वो ये वीडियो देखेंगे कि नहीं। अगर देख रहा है तो थैंक यू वेरी मच। फिर से बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। तो उसके बाद 26 तारीख से मेरी मौसी के साथ मैं रवाना हो गया। एक्चुअली मेरे घर में मेरी 2 मौसियाँ हैं, एक मतलब मेरी मम्मी सबसे बड़ी है और 2 छोटी मौसियाँ हैं, ये जो भी कह लीजिए आप। तो जो मेरी बड़ी मौसी है, तो उनकी शादी हो चुकी है बहुत पहले, और उनका बेटा जो है अभी 12th स्टैंडर्ड में है, और वो, उनका हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो गया, उनका हाथ टूट गया था, लेफ्ट लेफ्ट वाला, तो उसके वजह से वो मेरे साथ यात्रा में नहीं आ पाई। और हर साल मेरी छोटी मौसी जो है वो उनकी शादी नहीं हुई है, और वो एजुकेशन लेवल पे उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। वो ऑस्ट्रेलिया भी गई, PhD IIT गुवाहाटी से किया, IIT BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने MTech किया मैकेनिकल में, 95 के आसपास। तो उनका एजुकेशन सेक्टर में बहुत हाई ग्रोथ रहा है, और वो अभी प्रिंसिपल भी है गर्ल्स पॉलिटेक्निक जो है गुवाहाटी में। तो क्या हुआ, वो मौसी मेरे घर आई एक दिन, ये तकरीबन 15-16 सितंबर की बात होगी। तो मौसी आके पूछ रही थी कि तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो। तो मैंने अपना लिस्ट बताया कि यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, ये वहाँ मिलेंगे, वहाँ वो मिलेंगे।
तो मौसी सुन के पूछने लगी मुझे, मैं भी आ सकती थी ना। तो मैंने बोला कि आ सकती थी नहीं, आ सकती हो। उसके बाद कैसे कैसे मैंने मौसी को मना लिया। उसके बाद मौसी आने को रेडी हो गई, और जब मौसी रेडी हो गई आने को, तो मैं जिस फ्लाइट से दिल्ली जा रहा था 26 सितंबर को, उसी फ्लाइट पे मैंने मौसी का भी टिकट, मौसी ने अपना टिकट बुक करवा दिया उसमें, उसी में। तो हम दोनों साथ में बैठ के गए, और मेरी मम्मी जो थी बहुत चिंतित थी कि मौसी जा रही है तुम्हारे साथ, मौसी का ख्याल रखना, मौसी का हाथ मत छोड़ना, मौसी को इधर मत छोड़ना, ये मत करना, वो मत करना, ये देना वो देना। मैं बोला ठीक है। तो उसके बाद 26 तारीख को हम रवाना हो गए गुवाहाटी से दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली पहुंच के ही हम एक होटल में रुके, जहाँ पे मेरे और एक परम मित्र है रजत रोटेला करके, ये IAS की तैयारी कर रहा है अभी, करोल बाग में रहते हैं वो। तो वो मुझे मिलने आए, और मैंने अपना आधा सामान उनको दे दिया, फिर वो अपने घर में जाके सामान रखे। उसके बाद फिर हम सो गए होटल में, और जैसे ही सुबह हुई, उस दिन चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में थे, तो सुबह हुई और हम निकल दिए। कौन सा स्टेशन था? हाँ, न्यू दिल्ली स्टेशन, स्टेशन का नाम था न्यू दिल्ली स्टेशन, रेल स्टेशन। और पहाड़गंज या कोई कोई तो गेट था, आई थिंक दो गेट है ना न्यू दिल्ली में, एक अजमेरी गेट और पहाड़गंज, आई थिंक इट वॉज पहाड़गंज, पहाड़गंज गेट की तरफ हम निकल लिए। उसके बाद वहाँ जाके हम मिले अपने असली, ये पूरे ट्रिप के हमारे जो कैप्टन थे, मनीदीप शर्मा, वो आज तक के बहुत सीनियर करेस्पोंडेंट है। और उनसे मैं दिल्ली में भी मिला था 3 सितंबर को जब मैं गया था ना, तो मनीदीप जी भी थे, नितिन जी भी थे, बट मनीदीप जी बहुत कम टाइम के लिए आए थे, तो उनको पहले देखा मैंने। तो मनीदीप जी क्या करते थे, वो मेरे वीडियोस देखते थे, और ये तकरीबन जुलाई अगस्त की बात होगी, उन्होंने मेरे वीडियोस देखना शुरू किया तकरीबन अक्टूबर के आसपास लास्ट ईयर से। और वो क्या करते थे, ये जुलाई अगस्त इस साल का बात है, वो क्या करेंगे, वो कुछ दफ़ा वृंदावन मथुरा बहुत ज़्यादा जाने लगे थे, क्योंकि वो कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा चाहते, उनके बहुत बड़े भक्त थे वो। तो मथुरा वृंदावन बरसाना रावल ये सब बहुत ज़्यादा जाते रहते, नंदगांव ये सब जगह जो कृष्ण से रिलेटेड है। तो जाके जैसे एक वो हो गया बांके बिहारी टेम्पल, सब जानते हैं। तो बांके बिहारी टेम्पल जाके मुझे फ़ोटो भेजेंगे वहाँ से, और फ़ोटो भेज के पूछेंगे कि ये पूछ रहे मुझसे कि आप कब आ रहे हैं देखने के लिए। तो मैं बोलता था मैं कैसे बताऊं अभी, तो मैंने कहा कि मैं ऐसे भी इंडिया आ ही रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ये तकरीबन जुलाई अगस्त का बात होगा, तब मेरे जर्मन के कोर्सेज चल रहे थे, जर्मन लैंग्वेज के, मैं लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीख रहा था तब जर्मनी में, जर्मन लैंग्वेज पर्टिकुलरली। तो जर्मन क्लासेस के बीच में आधे घंटे का ब्रेक देता था, जुलाई और अगस्त में 1.5 महीना क्लास चला। तो उन उन आधे घंटे का टाइम में, उस 30 मिनटों में मैं उनको फ़ोन लगाता था। तो मनीदीप जी मुझे बोलते कि आप जब इंडिया आएंगे ना, और जब जाते टाइम वापस जब जाएंगे, तो 2 दिन का गैप ले लीजिए आप, ठीक है? तो 2 दिन का जब आप गैप लेंगे, तो 2 दिन में हम आपको दिल्ली में हॉल्ट करा के मथुरा और वृंदावन 2 दिन में ऐसे घुमा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसीलिए मैंने वो रिटर्न फ्लाइट नहीं बुक कराया उस टाइम। तो मैंने कहा ठीक है, 2 दिन का हॉल्ट ले लेते। फिर वो बोले कि वृंदावन मथुरा आए हैं तो हरिद्वार भी हो लीजिए, तो 3 दिन ले लीजिए आप। तो मैंने कहा ठीक है, 3 दिन का हॉल्ट। फिर बोले कि ऋषिकेश हो लीजिए, फिर ये बरसाना, नंदगांव, ये सब में और टाइम लगेगा, तो आप 4 दिन का एक्स्ट्रा ट्रिप करा लीजिए उसमें। तो मैंने कहा ठीक है, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और ऋषिकेश, ये सब जो भी है, मतलब हरिद्वार ऋषिकेश साथ में और बाकी सब साथ में, तो वो भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ अपने ट्रिप में। उसके बाद वो बोले कि आए हैं तो बनारस भी चले जाइए, काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि आप कभी गए नहीं, तो मुझे बोले ऐसे। तो
मैंने कहा अब वहाँ कैसे जाऊँ मैं। तो क्या हुआ, मेरे मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है, पुष्पेंद्र चतुर्वेदी नाम है उसका। तो पुष्पेंद्र जो है वो लखनऊ में रहते हैं। तो पुष्पेंद्र से मैं बात किया कि उस साइड आ सकता हूँ क्या मैं। तो पुष्पेंद्र बोला हाँ आराम से आ सकते हो, 1 तारीख को आ जाओ, 2 तारीख को आ जाओ, अक्टूबर को। तो वहाँ से फिर हम चलेंगे काशी विश्वनाथ, हम गाड़ी से चलेंगे बनारस, और जाते टाइम इलाहाबाद होके जाएंगे, और जब वापस लखनऊ आएंगे तो अयोध्या होके आएंगे। जय श्री राम। तो हमने डिसाइड किया कि अयोध्या भी जाएंगे, इलाहाबाद भी जाएंगे। तो ऐसे करके तकरीबन 10 दिन का ट्रिप हो गया। फिर बाद में कृष्णा गुरु जी जो है, जो मेरे चैनल में भी आए हैं, तो वो मुझे बोले कि बेटा तुम आया हो तो हमसे भी मिल लो ना, उज्जैन में ही हूँ मैं, ज़्यादा दूर नहीं है ना, इंदौर में आई मीन। तो बोले कि यहाँ आओ तो महाकालेश्वर भगवान शिव के भी दर्शन कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है, और लंबा करवा दिया मैंने ट्रिप। उसके बाद फाइनली मैं गया पुणे, और वहाँ से 11 तारीख को मैं चला गया ऑस्ट्रिया। वहाँ पे हमारे एसमिस कम्युनिटी का गेट टुगेदर था। तो ये तो ट्रिप का ओवरव्यू हो गया। और इस बीच मैं उन लोगों के नाम बताऊंगा जिन लोगों ने मुझे बहुत सहायता, जिन लोगों ने बहुत सहायता किया मेरा पूरे ट्रिप के दौरान। और उनमें से पहला नाम है मनीदीप जी का, जिनका मैंने ऑलरेडी बोला है। तो मनीदीप जी थैंक यू वेरी मच। आप नहीं होते तो ये सारा पूरा यात्रा तो हो ही नहीं, मतलब इसका 1% भी नहीं हो सकता था। इट इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यू, आपके वजह से ही मेरे दिमाग में वो संकल्प आया कि मैं पूरे नॉर्थ इंडिया का एक ट्रिप लगा सकता हूँ, यूपी का और उज्जैन एमपी वगैरह उस साइड का भी ट्रिप लग गया। और इसमें खास इनके जोड़ीदार रहे इनके फादर पापा का नाम है वेद जी। तो वेद जी अराउंड 60 कुछ उनका एज है, 60 के आसपास उनका उम्र है। उनके घुटनों में भी दर्द रहता है, बट वेद जी की खासियत यह है कि वो वृंदावन मथुरा के हर गली हर चौराहा हर जगह से वाकिफ़ है, चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है एकदम। तो वो क्या कर सकते हैं कि वो उनको पूरा पता है कि कहाँ कैसे जाया जाता है ना। तो उन्होंने मुझे, मणिदीप जी ने मुझे बताया कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमारे फादर रहेंगे। और मणिदीप जी भी खुद बहुत ज़्यादा वृंदावन वगैरह जाते रहते हैं। तो मैं तो एकदम पूरा टेंशन फ्री हो गया जब मुझे पता चला उनके फादर भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले 26 तारीख को हम निकल के गए हरिद्वार ना। तो सुबह जैसे 17 दिल्ली से हम हरिद्वार निकल गए, और हरिद्वार गए कैसे, शताब्दी एक्सप्रेस जो है उसे ही गए, आई थिंक शताब्दी से ही गए या कोई और ट्रेन होगी शायद, नहीं शताब्दी थी जितना मुझे याद है। उसके बाद वो रास्ते में जब हम बैठे थे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें की हमने, मणिदीप जी को बताया मैंने कि कुंडली में छठा भाव जो होता है 6th हाउस वो क्या दर्शाता है, उससे हम आदमी के वीकनेस को कैसे निकालते हैं ना, आदमी की कमजोरी जो है। तो मणिदीप जी बोले कि हाँ ये बात मुझे याद रहेगा। तो फिर उनका कुंडली खोल के मैं देखा, अरे बाप रे इनका तो ये है वो है। तो मैंने बोला सत्यानाश हो मेरा, मैं सब क्यों बता रहा था। तो फिर हम लोग गए हरिद्वार में, फिर वहाँ पे खूब सारा खाना खाया हमने, छोले भटूरे अच्छे से खाए, पूरी सब्जी खाई, सीताफल की सब्जी भी देते वहाँ। फिर एक दुकान है जहाँ पे रबड़ी भी देते हैं और दूध भी देते। ओ हरिद्वार तो लोग तपस्या करने के लिए जाते, लेकिन मैं तो तपस्या के मूड में नहीं था। मैं तो सोचा हर की पौड़ी में जाएंगे, वहाँ नहाएंगे, मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे, तपस्या तो बाद में भी कर लेंगे। तो वहाँ पे हम रुके थे ओशो होटल में, गिरेंदर भारती जी जिनके वीडियोस आपने देखे होंगे यूट्यूब में है उनके, इज़ वेरी एक्स बहुत बड़े वास्तु के वो है। तो गिरेंदर भारती जी को मैंने बताया था कि मैं हरिद्वार आ रहा हूँ, तो उनका भी खास सिरे से धन्यवाद मेरे साइड से कि उन्होंने हमें मौका दिया अपने होटल में ठहरने का, और हमें हर की पौड़ी के एकदम, मतलब जो एकदम सीधा जो गंगा जिससे दिखाई देती है वहाँ का वो एरिया से 1st फ्लोर से 2 रूम हमको दिया। तो एक रूम में मैं और मौसी रुके और दूसरे रूम में मणिदीप जी और उनके फादर रुक गए।
और उसके बाद नेक्स्ट डे हम सुबह कंखल चले गए। कंखल जहाँ पे जो हरिद्वार में ही है, स्टेशन के उस साइड है, हर की पौड़ी तो इस साइड है। और उसके बाद हाँ, मैं बोलना भूल गया कि उस दिन रात को हम ये क्या बोलते हैं उसको, गंगा आरती अटेंड किए। बहुत सारे फोटोज़ हमने खींचे, तो फेसबुक में भी बहुत डाला है मैंने, आप भी देख सकते हैं वहाँ जाके। उसके बाद सुबह हम कंखल निकल गए, 10 महाविद्या का मंदिर वहाँ देखे। फिर माता सती ने जहाँ पे देह त्यागा था अपना, जब दक्ष प्रजापति ने उनके पतिदेव शिव जी का अपमान किया था, जिसको सहन नहीं कर पाई, तो उन्होंने अपना देह त्याग दिया था वहाँ ना, अग्नि को साक्षी मान के। तो वो जगह हम गए। उसके बाद 10 महाविद्या के मंदिर में हमने बहुत अच्छे से पूजा की, जो ज्योतिष में उपापद लग्न से रिलेटेड है बहुत। तो मणिदीप जी का जो उपापद है उसके संदर्भ में जो 10 महाविद्या में से जो देवी इंचार्ज है, मतलब जो वो उस जोडियक साइन उस राशि को कंट्रोल करती है जहाँ पे मणिदीप जी का उपापद आता है, वो मुझे पता नहीं था। क्योंकि वो कहते हैं कि हर एक ग्रह का एक एक वो होती है ना, 10 महाविद्या में से एक एक देवी होती है। तो हमने वहाँ अनुराधा शारदा जी, जो हमारे मेरे चैनल में बहुत बार आ चुकी है, तो अनुराधा जी को फ़ोन मारा कि मैडम ये ग्रह के लिए कौन सी वो 10 महाविद्या में से कौन सी वो होती है। तो अनुराधा जी ने बताया, फिर हमने गूगल में भी देखा। तो हम फिर से वहाँ लौट गए वापस, और अच्छे से पूजा वूजा किया हमने, प्रे किया बहुत अच्छे से। और जहाँ तक मुझे पता है शायद हाँ, तो उनको भी पता चल गया कौन सी थी वो, और उन्होंने अच्छे से प्रे वे किया। उसके बाद हम निकल गए ऋषिकेश तो हम नहीं जा पाए, क्योंकि ऋषिकेश जाना थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था उस टाइम, क्योंकि वो बाढ़ बहुत आ गई थी। और मेट डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी किया था कि मत जाओ वहाँ, तो ऋषिकेश हमने कैंसिल कर दिया। और उसके बाद वहाँ से हम निकल गए मथुरा, और मथुरा पहुँचते पहुँचते रात हो गई। और रात को हम जाके रुके मणिदीप जी और वेद जी के बहुत ही विश्वसनीय जो एक जगह थी, वो वृंदावन में है, उसका नाम है गणेश आनंद आश्रम। तो वहाँ के जो गुरु जी है बहुत बड़े विद्वान हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक स्तर में बहुत उन्होंने तरक्की किया है, और वो भी गुवाहाटी आते जाते रहते हैं। तो उनके साथ वहाँ हम रुके, और उसके बाद नेक्स्ट डे को हम निकल गए। फिर अगले 2 दिन तक हम पूरा ब्रज घूमे, पूरा बरसाना घूमे, नंदगांव, गोकुल, बांके बिहारी मंदिर, फिर बहुत सारे मंदिर, जितने भी विख्यात प्रख्यात मंदिर है वृंदावन के, प्रेम मंदिर घूमे, बहुत सारी जगह हम गए। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया बरसाना, नंदगांव, ये 2 जगह मुझे बहुत पसंद आया। पहली बार मैं वृंदावन गया हूँ, मैं पहले कभी गया नहीं मथुरा वृंदावन, तो बहुत ही अच्छा लगा जाके। फिर जहाँ जहाँ भी खाने का स्टॉल मिलता था मैं तो कूद पड़ता था वहाँ खाने को, मणिदीप जी भी आ जाते थे। वो मेरी मौसी को भी बहुत पसंद आया, शी हैड अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर 1 तारीख को हम वापस दिल्ली आ गए, और 1 तारीख को मेरी मौसी चली गई वापस गुवाहाटी। उसके बाद मैं निकल गया लखनऊ, मेरे दोस्त पुष्पेंद्र को मिला। उसके बाद 2 तारीख सुबह को हम रवाना हो गए बनारस, और जाते हुए इलाहाबाद होके गए हम 2 तारीख को। तो पुष्पेंद्र का भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, उसने यहीं पे गोटिंगेन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स किया मेरे साथ ही, और फिर अभी इंडिया चला गया है वो। और उसके बाद उसके साथ इलाहाबाद गया मैं, क्योंकि इलाहाबाद जो है लखनऊ बनारस के रास्ते में पड़ता है, तो इलाहाबाद में गया, संगम में गए। और उस टाइम पितृपक्ष भी चल रहा था, क्योंकि पितृपक्ष उसी टाइम आता है, 26-25 से लेके अक्टूबर मिड तक के बीच तक। तो उस टाइम वहाँ गए, हमने पूजा उजा भी किया ना, वो पानी में दूध अर्पण करना और वो सब किया हमने, तो बहुत ही अच्छा लगा। और बनारस जब हम गए तो बनारस में, जैसे मैंने अपने चैनल में अनाउंस किया था कि मैं आ रहा हूँ
जैसे बनारस आ रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ, वहाँ आ रहा हूँ, तो एक लेडी है, कल्याणी सिंह नाम है उनका, तो कल्याणी जी ने मुझे मैसेज डाला कि आप बनारस आएंगे तो मुझे मैसेज कीजिए। तो मैंने उनको गुवाहाटी से फ़ोन लगाया कि मैं बनारस आ रहा हूँ ऐसे ऐसे तारीख को। तो कल्याणी जी ने बोला कि हमारे घर में रुकिए, और उनके जो फादर है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वहाँ के प्रोफेसर है, बहुत बड़े प्रोफेसर है, वो बहुत रेप्यूटेड है, बहुत सीनियर है। और उनके घर में हम रुके, उनके मेहमान नवाजी का हमने पूरा क्या कहते हैं उर्दू में लुफ्स उठाया। तो रात को भी बहुत 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 बढ़िया खाना उन्होंने खिलाया, पूरी खिलाया, आलू की सब्जी थी, पालक पनीर बनाया। देखिए मुझे अभी भी याद है, सारा खाना याद है मुझे। और वो अपने दो मित्रों के साथ आई थी, तो हम तीनों को, वो तीनों फिर मैं और पुष्पेंद्र, हम पांचों फिर मिल के 2 तारीख रात को ही हम गोदौलिया में, जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है जो बहुत ही फेमस है, आप सब जानते ही होंगे, वहाँ पे गए। और उन्होंने हमें शॉर्टकट तरीके से ना एकदम पतली गलियों से लेके दर्शन करवा दिया जल्दी। खैर ज़्यादा देर तो देख नहीं पाए शिवलिंग को, बट जो भी देखा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मेरी मौसी भी कह रही थी कि उन्होंने एमटेक मास्टर डिग्री अपना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया, जैसे मैंने बोला, तो वो भी बोल रही थी कि मेरे पास भी समय होता तो मैं भी बनारस आ जाती, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। और फिर नेक्स्ट डे सुबह उनके फादर, कल्याणी जी के फादर ने मुझे अपने बाइक में बिठाया और वो BHU के अंदर से मुझे लेके चल गए। फिर मुझे गेट के बाहर में उन्होंने ड्रॉप कर दिया, फिर मैं दशाश्वमेध घाट जो होता है वहाँ चल दिया मैं। फिर घाट में जाके तकरीबन आधा एक घंटा तो मैं बैठा वहाँ, कुछ मंत्रमाला वगैरह जप किया मैंने, फाच्छा से मैंने प्रे किया सबके लिए। उसके बाद हम रवाना हो गए बनारस से। तो कल्याणी जी और उनके फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ऐसा हमें, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे जाके आपके घर में, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था उनके घर में, तो बहुत ही सही है, ये लोग ऐसे लोग पता नहीं कब मिले बाद में। उसके बाद हम रवाना हो गए अयोध्या नगरी के लिए। फिर मैं और पुष्पेंद्र चले गए अयोध्या, लेकिन अयोध्या पहुँचते पहुँचते रात हो गई और मैं बहुत निराश हो गया। तो मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूँ अभी अयोध्या में, रात को तो सभी दर्शन बंद। तो पुष्पेंद्र ने बोला कि हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम अयोध्या में रात को रुक जाए किसी होटल में और कल सुबह चले, या अभी चल लेते हैं लखनऊ। तो मैंने बोला नहीं, मुझे देखना है अयोध्या, कल जाएंगे। तो हम वो बिरला का एक कुछ है वहाँ पे, बिरला क्या बोलते हैं उसको, बिरला का एक जगह है जहाँ पे रहा जा सकता है, वो अनाथालय तो नहीं, इट्स लाइक होटल जैसा ही है, मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा है अभी, बिरला करके कुछ है, जैसा होता है ना बिरला मंदिर होता है, तो ऐसे ही बिरला का एक है। तो वहाँ पे हम रुके रात को, फिर सुबह 5 बजे अलार्म लगाए हम, फिर 6:30 बजे निकल गए एकदम नहा धो के मस्त, और पूरा अयोध्या हमने घूमा, जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। तो राम जन्मभूमि भी गए, उसके बाद कनक भवन गए, फिर दशरथ महल गए, फिर सीता रसोईया, बहुत सारी जगह, बहुत ही, अयोध्या सबसे अच्छा लगा मुझे पूरे ट्रिप में, मथुरा वृंदावन काशी से भी ज़्यादा अच्छा मुझे अयोध्या लगा, पता नहीं क्यों है, मतलब ऐसे ही लगा मुझे। वहाँ पर इतना वो, मतलब स्पिरिचुअल जो उसका पावर है, पोटेंसी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि रामचरितमानस लेके जाऊं, वाल्मीकि रामायण लेके जाऊं, अपने 5-10 गुरु भाइयों के साथ जाऊं, अपने गुरु महाराज के साथ जाऊं, वहाँ पे 2-3 दिन बैठूं ना, या भागवतम का 9th कैंटो 9वां स्कंद जो है वो लेके जाऊं, वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं रामायण के बारे में, तो वहाँ पे जाऊं, वहाँ पे बैठूं, वहाँ पे राम का नाम लूं, वहाँ पे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। और वहाँ पे जो म्यूज़िक है ना बजता रहता है, जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, आहा हा, वैसा एटमॉस्फेयर कहीं नहीं मिला मुझे, कहीं भी नहीं मिला पूरे ट्रिप में, हरिद्वार में नहीं मिला, वृंदावन में नहीं मिला, मुझे बनारस में भी नहीं मिला, वहाँ पे जैसा एटमॉस्फेयर मिला, बहुत ही शानदार। तो
उसके बाद निकल गए हम लखनऊ, और फिर निकल गया मैं लखनऊ से फ्लाइट में, और लखनऊ में मेरे दोस्त ने वो राजस्थानी थाली वाली खिलाई मुझे बहुत अच्छे से। उसके बाद रात को मैं पहुंचा इंदौर, इंदौर कृष्णगुरुजी जो है हमारे उनके वहाँ, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने अपने घर में रखा। तो मैं उनके जो छोटे बेटे हैं वो जिस बिस्तर में सोते हैं मैं उन्हीं के साथ सोया था ना, उनके बेटे के साथ ही। तो बड़े बेटे अभी कहीं और है उनके, छोटे बेटे जो है उनके साथ सोया मैं, तो बहुत ही अच्छा लगा उनके घर में भी। फिर जिस दिन मैं गया फिर रात को वो भी मुझे लेके चले गए कहीं थाली खिलवाने राजस्थानी थाली, तो एक दिन में दो दो थाली खाई मैंने दोपहर में लखनऊ में भी थाली, रात में इंदौर में भी थाली। और वो कृष्णा गुरु जी बोल रहे थे मुझे कि तुम कितने लकी हो ना, तुमने लखनऊ की शाम, वो कहते हैं ना बनारस की सुबह लखनऊ की शाम, नहीं अवध की शाम, अवध जो कि लखनऊ है और उज्जैन या इंदौर की रात, ऐसी कोई कहावत है उन्होंने मुझे बताया। तो उन्होंने बताया कि तुमने बनारस की सुबह देखी, लखनऊ की शाम उस दिन मैंने देखी थी जब पुष्पेंद्र के साथ मैं लखनऊ आया था दिल्ली से, और उसके बाद उज्जैन, उज्जैन की जो रात, उज्जैन मतलब वही इंदौर वही जो एरिया है, तो इंदौर में रात रात भी वहीं बिताई। फिर सुबह 1:30 बजे हम निकल गए महाकालेश्वर मंदिर, जो 1.5 घंटा दूर है, 1-1.5 घंटा दूर है जो इंदौर से ना, उज्जैन, इंदौर उज्जैन पास में ही, तो इंदौर से निकल गए हम उज्जैन। और वहाँ जाके हम प्रीति जी से मिले, प्रीति जी वो मेरे, पता नहीं जब मेरे पास शायद 50 या 100 सब्सक्राइबर थे मेरे, तब से वो मेरे चैनल में मेरे वीडियोस रोज़ ही देखती है लगभग, अभी भी शायद देख रही है वीडियो मेरे हर एक वीडियो में उनका कमेंट आपको ज़रूर मिलेगा, प्रीति फालके करके, तो उनसे मैं रोज़ ही टच में हूँ। और वो मुझे हर दिन लगभग लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर से मेरा हर एक वीडियो देख के मुझे हमेशा ही मैसेज करती है कि बहुत अच्छा लगा वीडियो, मतलब हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही इंटरेक्शन रहा है उनके साथ। तो वो अपना पूरा खानदान लेके आ गई भगवान पूरा खानदान लेके आ गई, बाप रे पूरा खानदान, अपने हस्बैंड को लेके आ गई, अपने बेटे को लेके आ गई, एक ही इंसान जो नहीं आ पाया वो थी उनकी बेटी, कुछ तो उनका परीक्षा था, एग्ज़ाम था, कुछ तो किसी वजह से वो फंस गई, और उनकी बेटी बहुत नाराज़ की, ये आदमी से मिले मेरा पूरा खानदान गया, मैं यहाँ क्या फंसी हूँ एग्ज़ाम में तो कृष्णा गुरु जी के साथ हम सब मिल के फिर ये प्रीति जी और उनका फैमिली तो लग गए लाइन में जो जनरल लाइन है, फिर कृष्णा गुरु जी और मैं वो ले गए हमें VIP के उस लाइन से, क्योंकि वो तो रोज़ ही आते जाते रहते हैं, उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी है वो मंदिर में। तो उसके बाद हम सुबह महाकालेश्वर की वो भस्म आरती देखे, तो सुबह 3 बजे वो होता है ना, 3 बजे शुरू होता है, बहुत ही शानदार एकदम, पूरा एंड में जो पूरा ऐसे ऐसे भस्म डालते हैं उसके ऊपर, बहुत ही शानदार। तो प्रीति जी रहती, उनका फैमिली रहता है, रहते हैं लोग गुना में, गुना जो एक जगह है मध्य प्रदेश में, तो ये लोग कितने घंटों ट्रैवल कर गए पता नहीं, भगवान जानते हैं वो 7 घंटे 8 घंटे या 6 घंटे कुछ ऐसा टाइम लगा होगा उनको वहाँ से ट्रैवल करके ये लोग इंदौर आए, और क्या बोलूँ मैं। उसके बाद वो मेरे, वो उन्होंने मेरे लिए गुलाब जामुन बना के लेके आए, वो आई थी मेरे लिए, और बहुत सारे खाने की चीज़ें लेके आई वो अपने घर से, और फिर उज्जैन में भी बहुत सारा चीज़ खिला के खरीद के मुझे दिया खाने का, जो प्रसाद वसाद है। और फिर उज्जैन में सुबह जैसे ही भस्म आरती ख़त्म हो गया तो कृष्णा गुरु जी ने मुझे पूछा तो अब तुम क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा है कि ये पूरी जो फैमिली है ये बस मुझे ही मिलने के लिए आई है, और हाँ प्रीति जी के जो हस्बैंड है वो भी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है, और उसके उनके साथ भी मिला मैं, उनके साथ भी बहुत सारी बातें हुई, हमने नैसर्गिक दशा पे चर्चा की कि कौन सा घर कब एक्टिव होता है ज्योतिष में, ज्योतिष के अनुसार कब कौन सा घर एक्टिव होगा, कब कौन से ग्रहों का रिजल्ट कैसे आएगा, कब आएगा ना, किस किस उम्र में आ सकता है, जीवन के कौन से पार्ट में आ सकता है, तो ऐसी चीज़ों पर हमने चर्चा की। और फिर जैसे ही भस्म आरती हो गया तो वहाँ पे वो भी आ गए,
उज्जैन के जो वो जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं ना, खैर वो एग्जैक्टली वो नहीं है, मतलब सब डिवीज़न है वो, तो वहाँ के जो मेन मैजिस्ट्रेट जो है उनका नाम है आशुतोष गोस्वामी, तो वो भी आ गए मुझसे मिलने, और वो और उनके फादर और उनके मदर दोनों आए ना, तो तीनों लोग मुझे मिलने आए। और आशुतोष गोस्वामी जो है मेरे से एक दिन बड़े हैं मेरे आयु से एक दिन बड़े हैं बस, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। तो आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, और 10 बजे वो निकल गए क्योंकि उनका ऑफिस रहता है ना। तो उसके बाद फिर हम पूरा दिन बिताए उज्जैन में, खाना वाना खाया अच्छे से, ढाबा है वहाँ पे, ढाबा नहीं मतलब होटल ही बोल सकते हो, वहाँ पे खाए, और उनके फैमिली के भी बहुत सारे लोग आए थे प्रीति जी के, तो उन सब के साथ मिलके खाना वाना खाया, कुंडली पे बहुत चर्चा की, आध्यात्म पे भी थोड़ा बहुत चर्चा किया, और फिर एक उनके करीबी भी आए थे जो जो बहुत बड़े सिंगर है ना, अभी व्यास नाम है उनका, तो पता नहीं मैंने सही बोला कि गलत तो उनका एक चैनल भी है ना, तो उनके चैनल में एक वीडियो भी डाला है, बहुत व्यूज़ भी आया है, दिखने में भी बहुत हैंडसम है, तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम काल भैरव के मंदिर घूमे, फिर यहाँ गए वहाँ गए, बहुत सारी जगह गए, फिर फाइनली फिर मैं रात को चला गया कृष्ण गुरु जी के पास, और कृष्ण गुरु जी और उनकी जो वाइफ है, उनकी धर्मपत्नी, वो आंटी ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा, आंटी मतलब इतना अच्छे से खाना वाना खिलाया उन्होंने। रात को उस दिन शाम को जब मैं पहुंचा, मतलब उज्जैन से, ये क्या बोलते हैं, हाँ उज्जैन से जब इंदौर में वापस पहुंचा, तो शाम को मतलब अपने हाथ से खाना वाना बनाया, फिर होटल से भी कुछ ऑर्डर दिया था, तो बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया, उसके बाद मुझे सोने को दिया। फिर नेक्स्ट डे सुबह मेरा, सुबह कब था, हाँ नेक्स्ट डे सुबह मेरा फ्लाइट था फिर वापस दिल्ली के लिए, फिर नेक्स्ट डे सुबह मैं रवाना हो गया 6 तारीख को दिल्ली, और दिल्ली जाके ही टपक पड़ा मैं पंडित संजय रथ जी के घर में। तो संजय रथ जी ने, मेरे एक दोस्त है अंकित सिंह करके, उन्होंने एक कंसल्टेशन लिया था संजय सर से, तो संजय सर को पता चला कि मैं भी इंडिया में हूँ या आने वाला हूँ, तो संजय सर ने बोला कि उसको बोलना मेरे से मिल के जाए, तो मैंने ट्रिप वैसे ही शेड्यूल किया कि उनसे भी मिल सकूँ। उसके बाद संजय जी से मिला दोपहर में, फिर शाम को मेरे दोस्त रोनी और नटराजन और रजत, इन तीनों के साथ बिताया मैंने शाम, और उस दिन शाम को एक और लड़की मेरे से मिलने आई थी, उसका नाम है रितिका झांझी नाम है उसका, तो वो रहती है हरियाणा में, और वो मेरे को ही मिलने के लिए आई हरियाणा से इतना दूर, तो उनसे भी मिला। तो मैं, रोनी और रितिका और मनीदीप जी, हम चारों गए इंडिया गेट, रायसीना हिल जो वो एरिया है, फिर प्रेसिडेंट हाउस भी गए, तो बहुत ही अच्छा लगा, इट वाज वंडरफुल अमेजिंग, बहुत अच्छा हमारा इंटरेक्शन रहा, और रितिका से भी बात करके बहुत अच्छा लगा, उसको बहुत नॉलेज है देवी दुर्गा पे, दुर्गा सप्तशती स्तोत्र या जो जो भी है उसके बारे में बहुत बता रही थी वो इंडिया गेट में जब हम थे, फिर बहुत बहुत सारा नॉलेज है उसको, तो वो भी शेयर कर रही थी, और मनीदीप जी भी अपना एक्सपीरियंस दे रहे थे ना, फिर माता की चौकी इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ बातें हो रही थी, तो बहुत ही अच्छा गया वो टाइम। और फिर नेक्स्ट डे को क्या हुआ, हाँ नेक्स्ट डे को मेरी फ्लाइट पुणे के लिए, तो पुणे रवाना हो गया, और पुणे रवाना होने से पहले फिर मनीदीप जी से फिर से मैं मिला, और वो मुझे लेके गए थे रितेश मलिक से मिलने के लिए, मिलवाने के लिए, तो रितेश मलिक जो है स्टार्टअप इंडिया कैंपेन जो है उसके बहुत बड़े वो है, मतलब वो वही लीडर या वही मैनेज करते जो स्टार्टअप इंडिया रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उनसे भी मिलवाने लेके गए, और उनसे भी बहुत सारा वार्तालाप हुआ हमारा। और उसके बाद रितेश मलिक से मिलने के बाद फिर मैं चला गया पुणे, दिल्ली पुणे फ्लाइट लेके, और तो मनीदीप जी से विदा ले लिया मैंने, और रितिका से तो मैंने रात को ही उसको बाय बोल दिया था, और रोनी से भी विदाई ले ली मैंने, तो
तो इन सब लोगों का बहुत धन्यवाद कि रितिका जैसे इतना दूर से आई मुझे मिलने, और मनीदीप जी का तो पूरा ही साथ रहा 26 तारीख से 6 तारीख तक। वो नहीं होता तो पता नहीं मैं कहाँ होता कहीं पानी में डूब मरता मैं शायद, वो नहीं होता तो। और वो फोटोग्राफी ऐसा करते ना, बाप रे, उनके जब बैठ उनसे अच्छा तो फोटोग्राफर मुझे आज तक नहीं मिला। जितने मेरे अच्छे फोटोज़ खींचे ना उन्होंने, वृंदावन हो गए, यहाँ वहाँ जिधर भी, बाप रे, उससे वो तो मतलब कोई शायद प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी वैसा नहीं खींच सकता है। और उन्होंने मेरे लिए बस पूरा 4-5 दिन का पूरा ट्रिप छुट्टी ले लिया उन्होंने अपने बॉस से बात करके, तो बॉस को बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ छुट्टी में, और बॉस बोले कि जाओ तो ऐसे लोग तो बहुत कम ही मिलते हैं कलयुग में कि जो आपके लिए बस 3-4 दिन ना पूरा ही छुट्टी ले ले। और उनके फादर वेद जी ना, उनके सहयोग के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ब्रज भूमि के गलियारों में जाते हैं तो कि एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाना है तो किसी भी ऑटो वाले को पकड़ेंगे, बोलेंगे भाई यहाँ से वहाँ ले चल, तो ऑटो वाला बोलेगा 100 रुपया लगेगा यहाँ से जाएंगे, तो वेद जी बोलेंगे है यहाँ से क्यों जाता है, यहाँ से चल 50 में तो पूरा ट्रिप हमारा डिस्काउंट में गया तो वैसे करके मैं पुणे चला गया, और पुणे में बानेर में मेरे बड़े भैया रहते हैं, मेरे खुद के बड़े भाई, भैया भाभी दोनों रहते हैं, उनसे मिला तकरीबन 2 साल बाद में मिला, नवंबर 2016 को मिलना था मैं, और वो अभी नौकरी कर रहा है आईटी सेक्टर में, सीनियर कंसल्टेंट है इंफोसिस में। और भाभी मेरी एटॉस में काम करती है, पुष्पांजलि साहू नाम है। मेरे भाई का नाम नवनीत कलिता है, नवनीत कलिता। तो मैं बानेर में रहा, और बानेर पहुंचते ही एक आदमी का मैसेज आया मेरे पास, उसका नाम था, उनका नाम सौरभ बिलवालकर जितना मुझे याद है। तो सौरभ बिलवालकर जो है मेरे भाई के घर से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी में रहते, तो मैंने बोला कि मेरे पास अभी टाइम है मिलने को, आप आ जाइए। तो वो उतना दूर से मेरे कोई मिलने आया है ना, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद उनसे मिला, फिर रात को हम खाना वाना खा के सो गए, भाभी ने अच्छा से पनीर वनीर बनाया था, पराठा पनीर ये सब बना के। फिर नेक्स्ट डे एक दूसरी मेरी फ्रेंड है पल्लवी करके, वो मेरे से मिलने आई। तो पल्लवी को मैं पहली बार मिला, वो भी इंफोसिस में नौकरी करती है, और पल्लवी के साथ तकरीबन मैंने 7 घंटे बिताए तकरीबन। मतलब ऐसा था कि आई थिंक 11 बजे से 5 बजे तक हम लोग साथ में बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे ना, स्पिरिचुअलिटी पे, एस्ट्रोलॉजी पे, ये सब बातों पे हम बात कर रहे थे। उसके बाद एक और लड़की आई, कृति पांडे करके, पांडे नाम है उसका जो भी वो रहती है आपका क्या बोलते हैं उड़ीसा में रहती, तो वो भी पुणे आई मिलने के लिए मेरे से। तो उसको भी मैंने भाई के घर में ही बुला लिया, तो उसको भी, उससे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा, उसको भी बहुत नॉलेज है ये सब एरियाज़ में। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं शत्रुंजय मंदिर जो है वहाँ चला गया, और इधर उधर कुछ एक मंदिर है पुणे में वहाँ चला गया। तो वहाँ पे मेरे कुछ गुरुज है, मेरे बहुत सारे गुरु है, मेरे गुरु भाई भी है पुणे में, तो उनसे मिला, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद 2 दिन बाद फिर मैं रवाना हो गया बॉम्बे के लिए, और बॉम्बे भी मैं गया तो अपने कुछ गुरु है उनसे भी मिला, और मेरे भी बाकी गुरु भाई भी है उनसे भी मिला, और मेरा एक दोस्त है प्रशांत उससे भी मिला मैं, जो मेरे चैनल में भी आया था। उसके बाद रात को मैं निकल गया ऑस्ट्रिया। तो तात्पर्य वही है कि बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा, और उन लोगों के बिना तो ये ट्रिप हो ही नहीं सकता था, तो उन सबको मेरा थैंक्स, मेरा क्या बोलूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है कहने को। इतने दूर से लोग आते हैं मिलने को, तो मेरे को तो यकीन नहीं होता है मेरे से ही मिलने आ रहे हैं खैर उनको जो भी है, उनको उनके जीवन में पर कुछ मैं ऐड कर पाया होगा, मतलब मेरे वीडियोस देख के उनको बहुत अच्छा लगा इसीलिए आते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा जान के कि मेरे वजह से कुछ लोगों का लाइफ में सुधार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, या जो भी हो रहा है, मतलब अच्छा ही वो बढ़ रहा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा जान के। तो लिस्ट तो बहुत लंबा है, बाप रे कितना हो गया, 40 मिनट हो गया, बाप रे थक गया मैं यार, बस करो यार। और रहा सवाल हिंदी में वीडियो निकालने का, तो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कितना मुश्किल हो जाता है यार, बख्श दो मुझे
ठीक है, तो अगर आप लोग नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए हिंदी में तो मुझे बोलिए, मैं कोशिश करूँगा। और अगर आपको मेरे से कंसल्टेशन चाहिए तो मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे मिलेगा वीडियो का। ठीक है, तो अभी के लिए नमस्कार। और हाँ, मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ इंग्लिश में, गॉड इज़ देयर विद यू ऑल द टाइम, जस्ट लुक टू हिम एंड यू विल फाइंड हिम। अब पता नहीं यार इसका हिंदी में क्या ट्रांसलेशन होता। गॉड इज़ देयर विथ यू, भगवान है आपके साथ, ऑल द टाइम, हर समय, जस्ट लुक टू हिम, बस उनके तरफ देखिए और वो आपको मिल जाएंगे, ऐसा ही कुछ सोच लो यार, जो भी है। ठीक है, चलो बाय बाय। तो इन सब लोगों को फिर से मैं एक बार नाम बता देता हूँ, प्रीति जी, गिरेंद्र भारती जी, मणिदीप जी, नितिन जी, वेद जी, गणेशानंद आश्रम के जो लोग हैं जहाँ पे वृंदावन में रहा, फिर कल्याणी जी और आपके फादर और आपकी पूरी फैमिली, फिर मोहन शास्त्री जी जिन्होंने अयोध्या में हमें मदद की, फिर कृष्ण गुरु जी, फिर आशुतोष जी, फिर मनोज जी, मनोज फालके, ये प्रीति जी के रिलेटेड लोग हैं, और कृष्ण गुरु जी की वाइफ आंटी, और फिर मेरे दोस्त रोनी, रजत, नटराजन, पुष्पेंद्र, कितने सारे लोग हो गए, फिर पल्लवी हो गई, फिर कृति हो गई, फिर रितिका हो गई, फिर ए भगवान कितने लोग हैं यार। ठीक है, तो इन सब को बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि इन सब से फिर बहुत जल्द भेंट हो नेक्स्ट ईयर जब मैं इंडिया आऊँगा। और हाँ, नेक्स्ट ईयर अगस्त को मैं आ रहा हूँ साउथ इंडिया, कांचीपुरम वरदराज टेम्पल, तो वहाँ पे मैं मिलने वाला हूँ एक और लड़की है कृष्ण परिकर के, उससे भी मिलने वाला हूँ। वो ये वही लड़की है जिसने मुझे तिरुपति के लड्डू भेजे थे ना तिरुपति से, तो उसे भी मिलने वाला हूँ, और बहुत सारे लोगों से मिलना है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो नमस्कार, बाय बाय, सी यू, टाटा।